करें, लेकिन काफी शर्म की बात है कि केसीआर जी ने दो दिन के बाद, आज 25 दिन गुजर गए, लेकिन अपनी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहां की खवातीन को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एनआरपी क्या है, सीए क्या है और एनआरसी क्या है। जब कांग्रेस पार्टी 70 साल से यहां पर इख्तदार पे थी, हर 10 साल में एक मरतबा सेंसस किया जाता था, हिंदुस्तान की आबादी को जानने के लिए मर्दमशुमारी की जाती थी, लेकिन उस फार्म के अंदर सभी कामों को बराबर का हक दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी मरकज में आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते हुए मुसलमानों के कालम को निकाल फेंक दिया, और ये कह रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कायदीन का, प्राइम मिनिस्टर का और अमित शाह से यह पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम ने आपको एक वोट बैंक के जरिए इख्तदार पर लाया, क्या उन्हीं को यह कहने का हक नहीं पहुंचता कि आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? मेरी मां और बहनों, संदीप किसे गौर करने की जरूरत है कि कैसी साजिश रचाई गई तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव जी, जो आपके पिछले इंतखाबात के मौके पर इस बात का वादा किया था